वजीर-ए-इत्तला'आत मरियम औरंगजेब की मुख्तसर तहरीर। उसकी माँ दायरा अशरफ होली फैमिली अस्पताल में 8वें ग्रेड की हेल्थ वर्कर थी। 1990 में उसे नवाज शरीफ की माँ की खिदमत करने के लिए 2 महीने के लिए बतौर नर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजा गया। वहाँ वो नवाज शरीफ की आंख को ऐसी भागी कि 8वीं ग्रेड के वर्कर को 17वीं ग्रेड पर नाकाबले यकीन तौर पर पहुंचा दिया गया। हालांकि उसकी तालीम सिर्फ मिडल थी। इसके नतीजे में उसने मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर मिस्टर औरंगजेब से शादी करने के लिए अपने साबका शोहर से तलाक ले ली, जो इस्लामाबाद म्यूनसिपलिटी में 10वें ग्रेड का मुलाजिम था। अगले 10 सालों में वो नवाज फैमिली के करीब से करीब तर होती गई। नवाज शरीफ की वालदा इंजेक्शन से मुतल्लिक इलाज उसकी निगरानी में करवाने को अहमियत देती थी। उसकी जायदाद एक कमरे के किराए के घर से बढ़ती हुई 6th रोड पर एक शानदार 3 करोड़ के बंगले और 2 मार्केटों की, जिनकी कीमत करीब 80 करोड़ और आप 12 मार्केट में एक डिपार्टमेंट जिसकी कीमत करीब 18 करोड़ थी तक पहुँच गयी। मरियम औरंगजेब की माँ, जो अब ताहिरा औरंगजेब बन चुकी थी, ने 2001 में मुशरफ कैंप ज्वाइन करके नवाज शरीफ को गद्दार वतन करार दे दिया। उसके सबूत वो टीवी इंटरव्यूज में हैं, जिनमें